तो यार स्वागत है आप लोगों का मेरे इस न्यू टेक वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक एंड्रॉयड में न्यू फीचर जो आ रहा है उसके बारे में, जिसको आप शेयर इट के आप अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, इस फीचर को इनेबल करने से पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा फीचर है जो आपने एप्पल के फ़ोन्स में यूज़ करा होगा। नॉट जस्ट एप्पल के फ़ोन्स में, एप्पल के जितने भी डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि एप्पल आईपैड है, एप्पल के लैपटॉप्स, मैक कंप्यूटर्स जितने भी हैं, उसमें आपने एयर ड्रॉप का फीचर सुना होगा या यूज़ करा होगा। तो यार ये जो फीचर है वो भी उसी तरह काम करता है। और ये मैं मतलब आपको बता नहीं सकता कि कब से वेट कर रहा था कि कब ये फीचर एंड्रॉयड में है, और फाइनली अभी ये फीचर बीटा स्टेज में है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं। इस फीचर का नाम है नियर बाय शेयर। इसको पहले नियर बाय शेयरिंग भी कहा जाता था, और एक साल पहले इसका जब एंड्रॉयड के अंदर सोर्स कोड में नाम आया था तो वो फास्ट शेयरिंग करके भी था। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं और इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाइज, हमें सबसे पहले गूगल प्ले सर्विसेज की बीटा वर्जन को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे भी है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो यहाँ से हम चले जाएंगे प्ले स्टोर में, और इसको मैं ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ था, मैं इसको लीव कर दूंगा। यहाँ से ही आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे करके। और यार कि अगर किसी वजह से ये आपके इनेबल नहीं हो रहा है तो आप इसको रीइंस्टॉल भी करके देखिए, उससे वो हो जाएगा। अभी हम इसको कर लेंगे ज्वाइन, मेरे ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप गूगल प्ले सर्विसेज को पहले बीटा ज्वाइन कर लीजिए। तो यार बस यही था मेन पार्ट इसका जो हमें करना था। तो मैंने आपको यहाँ पे कोई चाइनीज़ ऐप इंस्टॉल करने को नहीं बोला है, ना ही मैंने आपको कोई एपीके दी है कहीं से उठा के। इसमें जस्ट हमें गूगल प्ले सर्विसेज को गूगल प्ले स्टोर के थ्रू ही हमें बस उसका बीटा, जो उसमें जो उनका बीटा प्रोग्राम होता है, बस उसमें हमें इनरोल करना था। ये करने के बाद आप जैसे अगर मान लीजिए, ये पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ कि यहाँ पे हमें करना क्या है। जैसे ये फोटो है यहाँ पे, अब जब आप इसको अपने फ़ोन में शो, यहाँ पे ये आपको नियर बाय शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और अभी आपको यहाँ पे इसको आप ये कहेगा कि आपको वाईफाई और ब्लूटूथ अपना टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से वाईफाई ऑन कर देता हूँ। भी यहाँ पे आसपास कोई फ़ोन होगा जिसका ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन होगी, वो आपको करना पड़ेगा, और साथ में ही वाईफाई को भी ऑन करना पड़ेगा, वो यहाँ पे हमें विजिबल हो जाएगा। और अगर आपको यार ये नियर बाय शेयर का जो ऑप्शन है यहाँ पे नज़र आ रहा है वो नहीं दिखाई देता है, तो आपको एक बार अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना होगा। यार इस ये शेयर ऑप्शन मैंने देखा है कि हर जगह ही आपको ऑलमोस्ट एंड्रॉयड में मिल जाता है, चाहे आप व्हाट्सएप की किसी फ़ोटो को खोल रहे हो या कहीं भी। तो चलो यार अभी मैं आपको दो डिवाइसेस के बीच में कैसे आप फाइल्स वगैरह को शेयर कर सकते हैं, फोटोज़ वगैरह को या जो भी फाइल आपको सेंड करनी है उसके बारे में दिखा देता हूँ। और यार अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और यार मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि आप जैसे जिन लोगों को तो ये समझ है टेक्नोलॉजी की, मोबाइल वगैरह की, तो यार अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जिनको इतनी नॉलेज नहीं है या फिर वो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो यार उनको आप थोड़ा बिल्कुल ऐसी चीज़ों के बारे में बताते रहें। उनको फ़ोन में आप चाइनीज़ ऐप्स वगैरह जो हैं वो कई बार होता है कि एड्स वगैरह की थ्रू इंस्टॉल हो जाती हैं या वो गलती से कर लेते हैं, तो यार वो जब सब चीज़ों की आप उनको थोड़ा बहुत बताते रहिए। और इन्फॉर्मेशन लेने देने के लिए तो हम सब हैं यहाँ पे, तो यार उनको थोड़ा आप अपनी गाइडेंस ज़रूर दीजिए। तो यार एक तरफ है हमारे पास मोटो वन फ्यूजन प्लस और दूसरी तरफ है हमारे पास मोटो वन पावर। और यार अब मुझे यहाँ पे जैसे मोटो वन फ्यूजन प्लस से ये कुछ इमेजेस हैं, मुझे यहाँ पे इनको मोटो वन पावर में सेंड करना है, तो मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट करूँगा। गूगल फोटोज़ ऐप है, आप जानते होंगे इसके इंटरफेस को। और यहाँ पर मुझे जो इसकी ऐप्स लिस्ट में है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, डिपेंड करता है आपके फ़ोन में कितनी सारी ऐप्स हैं, यहाँ पे आपको नियर बाय शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये, तो यार यहाँ पे मुझे यहाँ पे साइज़ पूछने का ऑप्शन है, ये जनरली गूगल फोटोज़ में आपसे पूछता ही है, तो ये मैं इसको कर लूँगा। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि आपको ब्लूटूथ लोकेशन और वाईफाई को ऑन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर टर्न कर लेते हैं ऑन। और यार ये देखिए डिवाइस नियर बाय इज शेयरिंग, तो अगर आप विजिबिलिटी अपनी ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन कर लीजिए, और यहाँ पे मुझे राकेश फ़ोन करके लिखा जाएगा, इसको मैं कर लूँगा टैप। और यहाँ पे इधर दूसरी साइड मुझे यहाँ पे कोई कंफर्मेशन ज़रूर आनी चाहिए,
वेट कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमें एक्सेप्ट करना है। तो यार आप देख सकते हैं ये काफ़ी एयर ड्रॉप जैसा ही फंक्शनैलिटी है, और ये बिल्कुल सीमलेसली फोटोज़ वगैरह ट्रांसफ़र हो गया बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के या कोई और प्ले स्टोर के ऐप से यूज़ करे बिना। तो आप देख सकते हैं कि इसके थ्रू आपको कोई भी फाइल सेंड करने के लिए जैपिया, शेयर मी, शेयर इट वगैरह ऐप्स की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो चाइना को भी बैकआउट कीजिए और स्मार्ट बनिए। और यहाँ पे जैसे ही हमने कोई भी ये जो फाइल्स से सेंड की है तो इनको ये ओपन करने के लिए बता रहा है कि कौन कौन से कंपेटेबल ऐप्स हैं। तो यहाँ पे इसको अगर ओपन करेंगे तो ये देखिए ये सेम वही इमेज है जो हमने यहाँ सेंड करी है, तो आप इसको आराम से सेंड कर सकते हैं। तो यही था यार आज की वीडियो में मेरी तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। और यार आप मुझे ज़रूर बताएं कि अगर मैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर आऊँ जिसमें जो चाइनीज़ ऐप बैन हुए हैं उनके अगर आपको अल्टरनेटिव जानना है कौन कौन से आप ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, तो आप मुझे यार कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं, तो मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर।